ये भाई अभी मुझे एक बादाम टेस्ट करवाना है। चार टेस्ट इसमें क्या क्या, काजू है, काजू है, बादाम है, पिस्ता और नमकीन है साथ। एक इसके कान में गाली दो गंदी सी, तू इधर आपको कह रहा है ओए भाई ना कर। ये देखो ओए ओए सीना, वो सीने की बोटी जिसको जिगली बोलते हो आप, जिगली बोटी आया। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे मैंने कहा था कल के व्लॉग में मिलते हैं आपको पिशावर, अभी तक सियालकोट नहीं है गए नहीं लेकिन जा रहे हैं ऑन द वे। रात को 8 बजे हुए तो नाइट का सफर करेंगे, आराम से सफर हो जाना है। पर हमारे साथ वही लाहौर वाले सारे बंदे, ये देखो पीछे, बस ये बंदा जो है उनको पहचान नहीं पाओगे आप लोग क्योंकि 20 साल यंगर हो चुके हैं, बाल छल करके काले छाले कर दे। मेरे दारी में आप लोग को व्हाइट मिल जाना है, इनके दारी में नहीं, पूरा चाचू बूढ़ा चेंज हो गया। इधर है मामा मुर्तजा, तो इंशाल्लाह सोच रहे हैं टाइम टू टाइम पहुंच जाए, बस ये बंदा हमें पहुंचा दे। बस मैं भी ये दुआ कर रहा हूं कि तीन बुड्ढों को लेके सफर कर रहा हूं, अल्लाह अपना सफर। हाँ तीन बुड्ढों के लिए आपने आपको भी काउंट कर लिया भाई ने, तीन बुड्ढे हैं और ये एक यंग जवान गबरू जवान मर्द। कुछ पूछा मेरे, तो पिशावर का रास्ता ये देखो 6 घंटे 40 मिनट टोटल लगेंगे, लेकिन हम थोड़ा रुक रुक के खाना शाना खा के ढाबे में भी रुकेंगे बीच में, ये सब खा खा के आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें 8 घंटे टोटल लग जाने। 3 hours later 3.5 घंटा ड्राइव करने के बाद अभी हम रुके डेरा खालसा एक रेस्टोरेंट पे, ढाबा आई मीन। इधर थोड़ा ये देखो चारपाई लगे हुए हैं, तो इधर खाना पीना भी खाएंगे साथ में, चाय भी पियेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अंदर बैठना है बाहर रेस्टरूम यूज़ कर लो ना यार, पूरा कमर में दर्द हो गया है, ये गाड़ी में ज़्यादा दिन बैठ नहीं सकते। ये देखो सारे बैठ गए चार पाई पे, आप क्यों नाच रहे हो? देखो मैं नचवा रहा हूँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। आप नचवा रहे हो? मुजरा देख रहा हूँ, मुजरा पैसे भाई पैसे, हम तीनों भाई कुछ और फेंकते, पैसे नहीं कुछ और फेंक के मारते। आओ ये खाना आ चुके हैं। और क्या ऑर्डर किया था भाई? ब्रेन ना, मसाला वो अभी तक आया नहीं, लेकिन जलफ्रेजी था नहीं तो हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर किया है। यार खाना खा के बहुत मजा आया, बहुत ही मज़ा आया, दाल सबसे बेस्ट था। और एंड में जाके एकदम एंड में चाय लेके आया मेरे लिए, ठंडा हो चुका है अभी लेकिन चाय पराठा खाए वो भी मज़ा आया। तो अभी निकलने लगे हम पिशावर के लिए, सीधा पिशावर जाएंगे। 3.5 घंटे का ड्राइव बाकी है, 3 घंटा 15 मिनट बाकी है, तो इंशाल्लाह आपको उधर जाके मिलेंगे। अगर बीच में कहीं पेट खराब हुआ तो रुकेंगे वरना नहीं। 3 hours later पहुंच गए हैं पिशावर, सब इधर खड़े हुए हैं। भाई तो कह रहा था पिशावर 7-8 बजे बंद हो जाते, ये तो रात को 3 बजे 3:30 बजे पहुंचे, अभी भी खुला हुआ है। जरियब कॉलोनी के सामने है हम अभी, और ये देखो इधर मॉल लगे हुए हैं, 2-3 रेस्टोरेंट है, बहुत सारे लोग भी है, गाड़ी हाईवे में साथ खड़े हुए हैं खाना खाने के लिए। तो हमने सोचा हम भी थोड़ा कुछ खाते हैं, प्लस रेस्टरूम भी यूज़ करना होगा, पूरा पेट फुल हो गया। देखो लोग, देखो कितने ज़्यादा लोग हैं, इधर खाना पीना चल रहा है अभी। ये देखो इधर पराठे लग रहे हैं गर्मा गर्म, चाय और पराठे ट्राई करेंगे अभी, फिर जाएंगे डायरेक्ट होटल। ये देखो ये भाई कवा और पराठे और अंडे सेल कर रहे हैं, सब अपने अपने छोटे छोटे दुकान लेके बैठे हुए हैं। और इधर ये थोड़े की रिंग्स चाबी ये सब सेल कर रहे हैं, घर के सारे चीज़ें, सब छोटे 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 स्टॉल है। और हमने ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया चाय और पराठे भाई, पराठा खा के देखो मज़ेदार है, मीठा 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 वाला, हाँ लच्छा पराठा बना है, लच्छा अच्छा टेस्ट है, चाय भी अच्छा है। खाना खा लिया हमने अभी, अभी जाने लगे होटल में, होटल ही पीछे ही है, ये रेड कलर के जो नज़र आ रहा है ये इधर ही। तो इनसे हमने पूछा कौन सा अच्छा होटल, इन्होंने कहा ये अच्छा इधर ही चले जाओ, और पैसा नहीं ले रहा कहता आप लोग मेहमान हो। देखो पठान लोगों की मतलब मेहमान नवाजी कैसा है, मैंने कहा भी नहीं हम बाहर से आइए, क्या है क्या है तो सारे पाकिस्तानी इधर था मेरे साथ, लेकिन मुझे देख के उनको पता चल गया। फिर सीधा मैंने कहा USA से आया हुआ है वो, बांग्लादेश से, कहता आप लोग मेहमान हो पैसा नहीं चाहिए, फिर ज़बरदस्ती पैसा दिया हमने, अच्छा अच्छे बंदे हैं बहुत। तो अभी जा रहे हैं होटल, चेक इन करते हैं। मैंने बताया ये भाई हैं मेरे, इनको घुमाने लाया हूँ, बांग्लादेश से, वैसे ही USA में रहते हैं। कहते उनको छोड़ो तुम बताओ कहाँ से आए हो, आर यू कॉमेडी मी, झूठ के ऊपर झूठ, कहते तुम किधर से हो बंदरिये। मिल गया हमें होटल,
हाँ के हम सेकंड फ्लोर पे, यह है इस होटल के सबसे एग्जीक्यूटिव रूम, सबसे महंगा रूम आई मीन ये वाला, और रूम नंबर भी है 101, सबसे पहला रूम। तो हमने कहा यही दे मुझे, चाचू और मामू को सुलाते हैं आज इधर। कैसे दो बंदे नहीं बैठ सकते? डबल सवार नहीं बना, सिंगल इसमें बैठो, सिंगल में बैठो। वैसे रूम भी अच्छे हैं, 5,000 का मिले हमें दो रूम्स। तो अभी सोने लगे हैं, इंशाल्लाह सो बोट के आप लोगों को पेशावर घुमाएंगे और बहुत कुछ भी दिखाएंगे। तो गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग, फिर से पेशावर से सुबह सुबह उठ गए हम लोग, जितना हो सके 3-4 घंटे नींद पूरा हुआ है। तो शावर लेके अभी तैयार हो चुके हैं, बज गए 11:30। तो होटल से चेकआउट करने लगे और करके आज सारा दिन पेशावर घूमेंगे। सुना है 7 से 8 बजे तक सब बंद हो जाते हैं, मार्केट आई मीन सब मार्केट बंद हो जाते इधर। तो थोड़ा जल्दी उठे आज, जल्दी चेकआउट करके निकलेंगे। और हमारे होटल्स के ये देखो नीचे थोड़े शॉप्स बने हुए, ये डेंटल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल और इधर भी कुछ है। तो इस टाइप के अभी दुकान खुले नहीं सब, 11:30 बज गए हैं, लेकिन ये लोग भी थोड़ा लेट करके ओपन करते हैं और मगरिब की नमाज के साथ ही बंद कर देते हैं। तो अभी निकलने लगे हैं, बाहर जाके आप लोग आज पूरा घूम के दिखाएंगे। ये पेशावर का हालत देखो, ट्रैफिक, रात को ही मज़ा आ रहा था। और जिधर भी देखो पठानी पठान, पठानी पठान, सारे पठान हैं। ये अब हम पहुंच गए हैं पेशावर कैंटोनमेंट, वेलकम टू पेशावर कैंटोनमेंट। और ये हेडक्वार्टर फ्रंटियर कॉर्प्स, खैबर पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा। यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए यार। परमिशन बहुत खूबसूरत है, अंदर से सारा कदीम चीजें अंदर है, पुराने से। देखिए म्यूजियम है, म्यूजियम टाइप ही है, सबसे कदीम पुरानी चीजें अंदर, मगर परमिशन चाहिए। ये है उनका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, असेंबली हॉल। लेकिन इधर उतना वो नहीं है, क्या कहते हैं ना, मतलब सिक्योरिटी उतना नहीं है। रोड से गाड़ी जा रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में तो आप घुस भी नहीं सकते, असेंबली के सामने से जा ही नहीं सकते, इतना खतरनाक रोड है इस्लामाबाद वाला। लेकिन इनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये देखो भाई रिक्शा कैसे चला रहा है, पैर से हाथ भी नहीं लगा रहा भाई, तो आगे जाके जाओ। ये पठान इनका मतलब बात है। ओ ये ऊँट, ऊँट नजर आया भाई, ये जाके पाकिस्तान में सबसे पहला ऊँट देखा मैंने 1 महीने के बाद, पता है। हाँ मैं तो हूँ एक, नहीं वहाँ पे बहुत है यार, लेकिन मैंने पाकिस्तान का सबसे पहला ऊँट देखा। दूध पी लो, दूध दूध पी लो, दूध 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 दूध। और ये स्ट्रीट, ये छोटे छोटे लंडा बाजार है, लंडा बाजार। मैं तो अच्छा अच्छा चीज कह रहा था नुमाइश, लेकिन चलो लंडा बाजार है, स्ट्रीट मार्केट कह रहा था मैं। एक ही चीज नजर आता है बस इधर, टोपी, सबके सामने टोपी है। हाँ और एक चीज़ अच्छा, ये लोग नमाज की पाबंद है बहुत। यही तो थोड़ा औरतें नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये हॉस्पिटल है तो इसलिए बाहर औरतें, वैसे औरतें नजर नहीं आता इधर, सारे मर्द मर्द। अभी आप लोगों को पाकिस्तानी पंखा दिखाऊं, देखो जरा, दुनिया में ऐसा कोई और जगह है नहीं, इलोन मस्क भी फेल है। ये देखो नजर आ रहा है, दो तारों के बीच छपर बांध दिया कि मक्खी ना आए। ये देखो गुर गुर है, ये गुर है। हाँ ये देखो क्या दिमाग लगाया उसने, अगर इलोन मस्क को पता चल जाए तो इलोन मस्क आके इनसे लेके जाइए टेक्नोलॉजी। आधे घंटे के ड्राइव करने के बाद अभी हम आके पहुंचे हैं कारखानों मार्केट पेशावर। यार इधर इतने बड़े रोड है, आप लोगों को नहीं पता, इतने खुला रोड है, फिर भी कोई रोड मतलब मानता ही नहीं है, एक दूसरे के आगे घुस ही जा रहे हैं, सब फोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सियालकोट लाहौर इससे बहुत अच्छा है, लेकिन पठान ड्राइवर बहुत खतरनाक ड्राइवर होते हैं ये लोग। तो अभी ये पूरा मार्केट घूमते हैं, ये तो बहुत ही मतलब 20 से 25 मार्केट एक साथ है, तो हम जिसमें पार्किंग किए इधर सारे मार्केट अभी बंद है, दुकान सारे। तो साथ वाले में देखेंगे तो इधर गन असले वाले भी, जिधर गन बनाते हैं वो बनाते हैं, उधर भी जाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों को बता दूं मैं इधर आया क्यों, पता है, रियल घूमने नहीं आया, मैं आया हूं चाचू के लिए सलाह जीत लेने, सलाह जीत लेने, चाचू को बहुत ज़रूरत है। हाँ नहीं तो चाचू के मतलब घर से कूट पड़ते अगर सलाह जीत ना ले। इधर जितने भी दुकान है ना, सारे पटाखों की दुकान है। ये देखो फायरवर्क्स, तो इस मार्केट से निकल के दूसरे मार्केट जाना होगा, ऊपर थोड़े खेलने खेलने का वो जो स्पोर्ट्स आइटम उनकी दुकान है, लेकिन सब बंद है। हम जिधर से निकले हम आए हैं इसके इसके अंदर से निकल के आए हैं, वो है फायरवर्क्स के, और साथ में ये है परफ्यूम की मार्केट। तो एक के बाद एक मार्केट होता है,
सेकंड है ये परफ्यूम, सिटी परफ्यूम, ये देखो हर टाइप के परफ्यूम मिलते हैं, अभी तो पता ही है दो नंबर के होंगे शायद। तो अभी आगे चलते हैं, इधर ये देखो मीटर देखो, इलेक्ट्रिक मीटर बाहर लगे हुए हैं, कैसे सब खुलने लगे हुए हैं इधर। ऐसे घूमने से पहले हम सोच रहे थोड़ा नाश्ता कर ले, ये देखो शंकर मछली, मछली खाना है मछली या फिर नाश्ता करना है? नाश्ता करते आओ। ओए होए इधर देखो चिकन चिकन तवा में सब रेड तैयार हो रहे हैं। राजमा कलेजी हाँ राजमा कलेजी है, उधर सामने चिकन और फिश है, हाँ चिकन एंड फिश इधर फ्राई हो रहे हैं। ये मिल गया चपली कबाब, ये देखो साइज में थोड़ा छोटे हैं, ये बड़े वाले पीछे हैं, हाँ जैसे मर्जी बोलो ऑर्डर कर देंगे। और ये है बारबेक्यू लगे हुए सारे, क्या खाना है आप बताओ ना। हम सोचे हैं हम खाएंगे चपली और साथ वाले ये पीछे वाले इनके पास है चने, तो इनसे चने मंगवाते हैं, इधर से चपली और रोटी लेते हैं और अंदर बैठते हैं। भाई अंदर आओ, माहौल तो भाई बहुत ही साफ सुथरा है, ये देखो अंदर बैठने का जगह है अंदर। हम अभी बैठ चुके हैं, ऑर्डर किया इनका पाया है ना, लेकिन डिफरेंट लुक्स है ना। और ये चने साथ में चपली कबाब भी आ रहे हैं, अभी नाश्ता करते हैं पहले। ये चाय आ गए पिशावर की चाय, चाचू ट्राई करके देखो कैसा है पहले, चेक करो ना, ट्राई करो देखो कैसा है टेस्ट। कावा अच्छा नहीं है, ठीक है बस चलो कोई नहीं, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, अभी मार्केट भी घूमना है ना, बाद में कोई खा ऐसी पी लेंगे। नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी जा रहे हैं गन मार्केट में, असला मार्केट। भाई आपको देखने वो लोग रख ना दे के छोटू गन क्लीन कर। ऐसा सीख लूंगा ना, तो 5 मिनट का बस वॉक है इधर से, तो हमने गाड़ी पार्किंग कर दिया, वॉक करके पहले चेक करते क्या क्या है क्या नहीं। ओए वॉक करते करते ये आ गया, हम कढ़ाई बन रही है, देखो देसी मुर्गी की बारबेक्यू, लैम चॉप्स, तो पीछे देखो दुम्बे लटके हुए हैं। हाँ दो सर नहीं। दो पैर को इंशाल्लाह इधर के कढ़ाई खाएंगे कढ़ाई, ये देखो ये जबाओ के दुम्बे, ये भी दुम्बे का खाल। ये था भाई खाने वाला, रोटीदार आना चाहिए था शुरू में ही। ये देखो अरे वही देखो चक्की लगी हुई दुम्बे की, वही 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 कुछ नजर ज्यादा धुआं था ना, मतलब आग जल रहा है अभी। इधर भी देखो लटके हुए दुम्बे, ये देखो दुम्बे की जो चर्बी होते उससे लपेटे हुए हैं ये, और ये बन रहा है बारबेक्यू। अभी एक बज गया है, दोपहर का खाना शुरू हो जाएगा, इसलिए अभी बारबेक्यू शुरू हो चुके हैं। आते हैं भाई थोड़ा घूम के फिर आते हैं, कहता है आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखो ओए ओए सीने की बोटी, जिसको जिगली बोलते हो आप, जिगली बोटी आया था, अगर साथ होती तो मजा आता है। ये देखो फ्रेश, आप चूज करके दोगे वो लोग बना देंगे, बिल्कुल फ्रेश। आ चुके हैं हम गन्स मार्केट में, ट्राई करूंगा जितना मर्जी हो सके मतलब वीडियो में लूँ, अगर यूट्यूब डिलीट कर दे तो डिलीट कर दे, लेकिन मैं तो लूँगा, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। इधर एक भाई मिला, कहते यूट्यूब पे रजिस्ट्रेशन है, तुम्हारा चैनल नहीं बैनना हो जाए। मैंने कहा नहीं, तो ये बाहर बाहर से दिखाता हूँ। ये देखो ये साइड में लटके हुए बड़े बड़े, और भी आना कैसे दिखाता हूँ, अंदर नहीं जाना भाई मेरा चैनल उड़ जाएगा फिर। ये देखो इधर भी लटके हुए, आप लोगों को नज़र आता होगा, ये देखो लटके हुए सब अलग अलग से पार्ट्स भी है, अगर कुछ ख़राब हो जाए तो वो भी। ये देखो ये लटके हुए इधर सब बनाते हैं ये लोग। ओई ओई इसमें तो बहुत सारे सही वाले। अभी मार्केट के बीच में आके बैठा हुआ हूँ, चाचू नमाज पढ़ रहे तो इसलिए। इधर बच्चों के हाथ में असले होते हैं गान, बच्चों के हाथ में। इधर बना के आ रहा था ना बाहर से, कहते वीडियो ना बनाओ, वीडियो बनाने नहीं देता, तो अभी इधर से देख के निकल जाएंगे, क्योंकि ये ना कोई मसला हो जाए हमारे साथ ही। असले वाले मार्केट से हो लिया हमने, अभी जा रहे हैं सामने दूसरे मार्केट चेक करने। वैसे मैं जिधर बैठा हुआ था ना, उधर एक चाचा आके मुझे क्वेश्चन किया किसके पास आए हो, सोचा मैं किसी का मेहमान हूँ, मैंने कहा किसी के पास नहीं, मैं घूम के जा रहा था, तो चाचू नमाज पढ़ रहे, तो फिर इसने ये नहीं कहा कहाँ से आए हो, उन्होंने ये कहा कि चाय पियोगे या कहवा नाश्ता किया, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहते कहाँ से आए हो, फिर मैंने बताया मतलब मेहमान नवाजी उनका बहुत है। हम असले मार्केट से निकले और हमारे साथ काम बन गया था, उधर मार्केट में आप हाथ में पकड़ो वो चलाओ, उधर बैठ के लोग गंजा पी रहे, कोई बात नहीं, मार्केट से निकले हम बाहर, पुलिस पकड़ लिया हमें,
कहता क्या करते हो, मुझे सबसे पहले क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये इंजीनियर हुई है वो, मुझे साइड कर दिया, मुझे कुछ नहीं कहा। इन तीनों को पूछा, पूछने के बाद मामू को साइड में ले लिया। कहता का तुझसे मिला, इन दोनों को कुछ नहीं कहा, कहता का तुझसे मिला, मामू कहते है नहीं, कहते नहीं साइड में, चेक चेक करके वो सब हटा दिया नीचे से। फिर छोड़ दिया। तो ये हो, अगर सोचो कि खरीदोगे, खरीद नहीं पाओगे, निकल ही नहीं पाओगे उधर से लेके, बाहर ही खड़े हुए पुलिस। ये देखो दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं इनके पास नहीं है, सब कुछ है, हर टाइप के मार्केट में, मतलब सब कुछ मिलते हैं इनके मार्केटों में, शॉप्स में। कितना कुछ देख लिया मैंने अभी वॉक करते करते। अभी यह है ड्राई फ्रूट्स, इधर अभी मार्केट बन रहा है, ज़्यादा मार्केट बंद ही है। और चाचू ड्राई फ्रूट वाला शालाजीत ले ले, शालाजीत नहीं पठानी सूट, ये देखो बच्चों की, ये सामने भी है, बहुत ही प्यारा सूट है। अरे जो कह रहा था प्राइस बहुत ही ज्यादा महंगा है, 1400 का सूट कह रहा है, हम सियाल को 7000 का लिया हुआ है हमने, अभी गन्ने का जूस पी रहे इधर। देखो ठीक है, देखते हैं कैसा है, साफ तो है नहीं लेकिन प्यास लगा हुआ है बहुत। देखो फाइनली मिला शॉल का दुकान, कपड़ों का दुकान शुरू हुआ है, इधर से देखते हैं कुछ अगर अच्छा मिल जाए, बहुत ही डिजाइनिंग, अच्छे अच्छे प्राइस, मतलब अच्छे लुक्स के शॉल है। अभी हम आए हैं शूज़ की सेक्शन में, ये मार्केट बहुत बड़ा है यार, मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अभी जूते देखते हैं, थोड़े पसंद आया कुछ आते पसंद आ जाएगा, अभी तो अंदर आया हूँ। ये स्केचर्स, लेकिन स्पेलिंग देखे, स्केचर्स स्केचर्स न्यू ब्रांड है ये, उसका कज़न है, कज़न नहीं, अभी दूर का रिश्तेदार है, बहुत दूर का। तो बहुत देर से घूम रहे हैं हम, 3:30 बज गए अभी, अभी जाके पानी लिया, प्यास भी बहुत लगा हुआ है, लेकिन जो सोच के आया था पिशावर वो है नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया, जो सच कहता हूँ, मुझे जो मज़ा कश्मीर में आया है, लाहौर में आया है, मारी मुझे बकवास लगा, मारी से ये ज़्यादा बकवास है, आप तो गुस्सा ना करना, लेकिन जो है इधर के पास खाना ही अच्छा है, वैसे कोई घूमने वाला कोई जगह नहीं है, ये मार्केट घूम रहा, कोई रौनक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह निकल जाएंगे, उससे पहले देखता हूँ, अगर अभी भूख नहीं है, अगर दुम्बे का करा शारी खाए नहीं तो इंशाल्लाह जब पहुँचेंगे इस्लामाबाद उधर जाके फिर रात स्पेंड करेंगे, रात उधर घूमेंगे। अभी बस हम निकलने लगे थे, इस भाई ने बुलाया हमें, शॉल ले लो, शॉल ही देखो कितने शॉल ले रहे, अभी अच्छा प्राइस अगर दिया तो लूँगा, अगर आपने अच्छा प्राइस दिया तो लूँगा। इनके पास बहुत ही वेराइटी की शॉल है, तो हमें पसंद आया, तो जाने से पहले सोच रहा हूँ ये लेके ही जाऊँ, 500 की वजह से इतना लड़ाई हो रहा है। चाचू एक पप्पी दे दो, पप्पी पप्पी ले लो, एक पप्पी ले लो, 500 की पप्पी, चलो जाओ पप्पी ले लो, मुझे फेमस हो गए, मैंने भी जाकर तुझसे रास्ते में गोली लेनी को कल से, ये 500 की वजह से लड़ाई हो रहा है इतना, मैंने कहा चाचू एक पप्पी दे, चाचू आपकी पप्पी से तो 2000 और एक शॉट चार्ज कर लेगा फिर। हां ये भी बात हो सकती है, चलो ले लो पप्पी, आ रहे मैंने इसे फाइनली, इतना फाइट करने के बाद हमने ले ही लिया, साथ में चाचू को एक पप्पी मिला, पप्पी ले लो चाचू आपके पप्पी, शुक्रिया बहुत, पप्पी की वजह से मिल गया। तो वॉक करते करते अभी हम पहुंच गए नवाब ड्राई फ्रूट के सामने, इनका आपने सुना हुआ है, टिकटॉक में भी देखा हुआ है, ये सबसे फेमस, ये बंदा बहुत फेमस, इनका सबसे फेमस ड्राई फ्रूट शॉप है। तो इधर आया सलाजीत लेने, सलाजीत है इनके पास, चलो चेक करते हैं, ये इनके पास सलाजीत मिला है, कितने का, 5 ग्राम है भाई इसमें, 5 ग्राम है, पाँच ग्राम 2000 मांग रहे, 30 ग्राम 5000, 30 ग्राम है, 5000 का, तो लेते हैं एक। भाई अभी मुझे एक बादाम टेस्ट करवा रहा है, कहता 4 टेस्ट इसमें, क्या क्या, काजू है, काजू है, बादाम है, पिस्ता, बादाम है और नमकीन है साथ, और नमकीन है साथ, एक बादाम में 4 टेस्ट, कितने किलो का है ये किस तरह के जी है, 3500 किलो। हम थोड़ा ड्राई फ्रूट भी ले रहे हैं यूएसए के लिए, तो सोचा क्या रेट लगेगा, सबकी एक रेट है, रेट कम नहीं होना, वैसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लोगे तुम 1 किलो ले लो, हाँ
हाँ साथ लेके जाऊंगा। एक किलो करो ये। हमने और भी चीजें पैकिंग करवाई है। ओ देखो आलू बुखारा, आलू चा, कुछ और दिया अभी पता नहीं ये क्या है। ओ यार कैसा है अब बताओ। मामू ये बंदा फ्री में खाने आया और मांग रहे हो। बहुत मजेदार है चीज, बहुत आलू बारा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका भी। अभी आया ड्राई बनाना, उसको भी खा के देखते हैं। वह भी मजे का है लेकिन ये ज्यादा मजे का था। आलू बुखारा बहुत मजे का था। कुछ और आ गया, अरे चेरी नहीं है, क्यूवी 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 है। आप खा के देखो, और नहीं खाना मैंने। आप ट्राई करो, टेस्ट बताओ कैसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं मैं, हाँ ये देखो हमारे सारे चीज़ें पैक हो रहे हैं। हमने क्यू भी लिया आधा किलो और बाकी सारे एक एक किलो लिया है, सब न्यूयॉर्क लेके जाएंगे। मज़ेदार चीज़ें हैं। अरे ये बंदा फ्री में मुंह मार रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बल्ले बल्ले। बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें हैं। हलवा ले लिया आपने, ये वाला, ये हलवा है तो ले लिया हमने ड्राई फ्रूट। अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास, इंशाल्लाह बैठ के निकल जाएंगे। और ड्राई फ्रूट की दुकान का नाम था क्या, नायाब, और मैं कहता नवाब, नवाब उल्टा उल्टा सीधा कह रहा हूँ, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं था इसे। निकल गए हम, बैठ गए हैं गाड़ी में, तो अभी जा रहे हैं इस्लामाबाद के पास। इस्लामाबाद में रास्ते में है तो रास्ते में कुछ खाना पीना खाना पड़ेगा। अभी देखते कोई अच्छा, अगर दुम्बा शुम्बा कराई मिल जाए तो खा लेंगे, वरना इस्लामाबाद में ही खाएंगे। तो इस्लामाबाद मोटरवे में उठने से पहले हमने स्टॉप लिया एक, इधर राशिद खान शिनवारी, इधर से कुछ ट्राई करते हैं पेशावरी खाना, फिर इस्लामाबाद जाए। इधर इतने दूर आए, अगर कुछ खाना ना खाए तो मज़ा थोड़ी आना है। देखते हैं क्या है इधर। ये गोश्त चिकन और दुम्बे के वो लगे हुए हैं, इसे देखते हैं। और ये बारबेक्यू आइटम सारे, तो अभी हम हमारा गोश्त पीस लेग पीस चूज़ करने लगे एक किलो। वो देखो ये हमारा पीस है, और ये अभी बहुत सारे लटके हुए हैं। ये देखो क्या, किसकी चक्की डालने के लिए कहा है आपने? ओह दुम्बे की, मैंने कुछ और समझा। चलो कोई नहीं, एक किलो लगाया हमने। ये रहे शिनवारी कढ़ाई बनाते हैं, और ये इधर बनते हैं कढ़ाई। हमारा अपना कसाई बैठ गया अभी देखो गोश्त काटने। पैसा नहीं दूंगा भाई, याद रहे पैसा नहीं देना। मुझे नहीं ना देना, वो ले लेंगे। मैं फ्री खाऊंगा, फ्री। ऑलमोस्ट बन चुके हैं गोश्त। इतने इतने बुरे सर्विस है कसाई साहब, बहुत बुरा सर्विस है, हमें पसंद नहीं आया, हम जा रहे हैं। चलो चाचू निकलते। Three days later. ये कंप्लीट, 3 घंटे में कंप्लीट किया है। थैंक यू भाई, नहीं झूठ कह रहा हूँ, 6-7 मिनट में कंप्लीट हो गया। हाथ धो लो, हाथ धो लो। ये हमारा होने लगा है, शुरू हो गया है। आई मीन कुक, नमक मिर्च और क्या कहते हैं ना, टमाटर से पकेंगे बस, और कुछ नहीं। टाइम लगेगा इसको शायद 45 मिनट्स to 1 आवर। हम अभी लगा रहे ये पटासी ना, पटासीख कलीजे, और क्या है ये अंदर कलेजी है बकरे का। हाँ। उसके ऊपर उन्होंने ना बकरे की जाली होती है, जाली का जो चर्बी है ना वो लपेटा हुआ है। तो हमने ये एक सीख ऑर्डर किया, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अभी इनका काम शुरू हो रहा है, अभी लोग आएंगे, लाइट शाइट ऑन हुआ है, बकरे लटका गए हैं, और बारबेक्यू का आग भी जल रहे हैं, अभी शुरू हुआ है। तो रात का काम होता है इन सब चीज़ों का, मतलब रेस्टोरेंट का, जो हाईवे के साथ रेस्टोरेंट होता है, ये भी बिल्कुल हाईवे के साथ है। ये लग चुके हैं हमारे सिख, ये देखो गरम गरम। अभी देखते हैं भाई, 10 बोटियाँ लगाएंगे एक सिख पे। 10 बोटियाँ
इसका प्राइस कितना है? 600 और वो शिनवारी जो ऑर्डर किया, शिनवारी ऑर्डर किया उसका 2800 रुपये के जी। 2800 के जी। और सियालकोट में पता कितना देगा? 4500-5000 का एक के जी। तो इधर इधर थोड़ा कम होगा ना, डेफिनेटली इधर थोड़ा कम प्राइस है। तो अभी टेस्ट करेंगे सब, थोड़े थोड़े ऑर्डर लगाए हमने। ये देखो इधर रोटी लग रहा है, चपाती रोटी और नान, ये नान का सेटअप है इनका। ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, अभी अदरक मिर्ची लहसुन और टमाटर डाल रहे हैं, फाइनल टच। सही है, हम बाहर से अभी अंदर आ चुके हैं, ये सेटिंग उससे ज़्यादा अच्छा है बाहर से ज़्यादा, और नॉइज़ भी नहीं है इधर कोई। हम इधर ही अभी खाना पीना खाते हैं। आइया, ये हमारे कढ़ाई आ चुके हैं और साथ में ये कलीजी। कलीजी ट्राई करते हैं, इसको पहली दफ़ा खाऊंगा, ये पहली दफ़ा खा के ट्राई किया। गोश्त भी थोड़ा सख्त है, थोड़ा और कुक होना है, 15-20 मिनट और हो तो मज़ा आएगा, और कलर भी थोड़ा लाइट लाइट ही लग रहा है। खाना हो गया ख़त्म, कढ़ाई हो गया क्लीन, थोड़ा रोटी रह गया लेकिन बहुत ज़्यादा खाया, अभी थोड़ा लेटने का मन कर रहा है। वैसे मुझे इससे ज़्यादा पसंद आया था जो बट कर शिनवारी से ज़्यादा, क्योंकि उसमें मसाला होता है, इसमें मसाला नहीं है। पहली दफ़ा ट्राई किया है लेकिन अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा बट, हाँ इसमें नमक भी बनता है, थोड़ा स्मेल रहता है इसमें। तो अभी चाय ऑर्डर किया है, भाई चाय भी लेके आ गए भाई जान, चाय पियेंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर निकल जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। वैसे पेशावर का जो खाने आया था ये खाना खा लिया, चर्बी वाला गोश्त, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, मुझे उतना खास नहीं लगा। A few moments later. 3.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद और आए हैं हम सेंचुरियस मॉल। उसके सामने बहुत ही बड़ा मॉल है और इनका पार्किंग भी बहुत, पार्किंग देखो ज़रा पूरा भरे भरे हुए हैं। तो हमने सोचा अभी बजे हुए रात के 10, मैंने सोचा होटल जाने से पहले थोड़ा इधर के मॉल एक्सप्लोर करें, थोड़ा कैसा किस तरीके का लोग रहते हैं इधर वो एक्सप्लोर करें, और कल सुबह दिन के टाइम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी रात एक्सप्लोर करते हैं। वही वही इस मॉल में देखो ज़रा कितने लोग हैं, बहुत ही बिजी मॉल है, बहुत ही बिजी, रश है बहुत। वैसे जो मज़ा पिशौर में नहीं आया वो इधर आते ही उससे ज़्यादा मज़ा आना लग गया हमें। देखो सारे भाग कैसे रहे, देखो सबको रेस्टरूम यूज़ करना है, बाथरूम हमने यूज़ कर लिया है, और अभी आके ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई सही जगह पे आए हुए हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है, फील हो रहा है हम ना जन्नत में आ गए, जन्नत में। चाचू बूढ़े का, चाचू बूढ़े का स्माइल देखो मुंह की, चाचू बूढ़ा ने फोन कर दिया अपनी वाइफ को, मैं घर नहीं आने वाला एक वीक इधर ही हूं। ओ इधर अल्फता भी है, अल्फते इधर तो स्टोरी स्टोर भाई। ये कितने फ्लोर का है? 4-5 कितने है देखो जरा, मुझे तो बहुत लगते हैं 5 फ्लोर के हैं। बॉस से भी है देखो, मतलब सारे बड़े बड़े ब्रांड जो USA में मिलते हैं वो भी इधर है। 20% ऑफ लगे हुए हैं, लेकिन इनका ऑफ आपको पता ही होगा, इसलिए मतलब बड़े बड़े स्टोर के अंदर कोई लोग हैं नहीं क्योंकि बहुत महंगा है। मॉल के अंदर ये देखो तोते भी है, हर टाइप के, कॉकाटू पैरेट सब कुछ है इसके पास। ये देखो मामो लेना है, ले लो हाथ में, 200 लेते हैं सर, 1% कोई बात नहीं। हाय हाय इसका साइज देखो, हाँ साइज देखे इसके कितने मेरे बाजी, ये देखो मेरे कान में बिठा दिया भाई, कुछ कर ही मत बस भाई, इसके कान में गाली दो गंदी सी। क्या बोला तूने भाई, कुछ कर ही मत बस, सब कुछ कर ले, कहता देता हूं, देता देता हूं, देखो जरा अभी गाली देगा, कहता अभी गाली दूंगा, कि तू इधर आ, तू इधर आ, आपको कह रहा है भाई ना कर, डर गई, डर गई, पकड़ इसको पकड़ो, देखो नहीं करता ऐसे, फन कर रहा है। ये देखो 3 मुर्दे दफन कर दूं, ओ मामू उड़ गया, तीनों मसाज ले रहे, मजा आता ना तुझे, क्या पता गरीब लोग, ऐ मुझे क्या, मैंने इनको खुद को पीटा, मैंने कहा मुझे आता था, अबे जाओ गरीब आदमी। के मॉल में हमें फिर मिला ड्राई फ्रूट वाले, बलोचिस्तान ड्राई फ्रूट, ये इधर महंगा बहुत होगा, इधर हर चीज़ का ही महंगा, मतलब प्राइस डबल है, जो सियालकोट लाहौर में इस्लामाबाद में उससे डबल है प्राइस, लेकिन हर तरीके का ड्राई फ्रूट है इनके पास, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ।
ये देखो फिफ्थ फ्लोर में इधर मूवी थिएटर है, ये बांग्लादेश तूफान, ये बांग्लादेशी मूवी है, ये भी लगेगा इधर। कब? 3rd November लग चुका है ऑलरेडी। जैट एंड जूलियट 3 वही भूत बला ये भी लगा हुआ है, लेकिन ये देखे खुश हुआ तूफान भी लगा हुआ है। फहद भाई आया तूफान लेके आया, सोचो जरा। और ये मुर्तजा आया वो गुनाह लेके आया। गुनाह जिन गुनाह। तो ये जो फिफ्थ फ्लोर है ये पूरा है खाने के लिए, फूड कोर्ट प्लस मूवी थिएटर। तो कुछ खाते हैं, अभी बहुत भूख लगा हुआ है। पीछे मैकडोनल्ड्स भी है, कैलिफोर्निया पिज्ज़ा है इधर, और इधर बर्गर लैब, टेटो टेटो मीट ऑन फायर, इटालियन कॉन्टिनेंटल क्विजिन ये पीछे भी है, और बुंदू खान ये पीछे, बुंदू खान रेस्टोरेंट। अभी हम बर्गर लैब से जिंगर ऑर्डर किया, जिंगर बर्गर चारों के लिए, इनसे खा के ट्राई करते हैं, फिर जाएंगे होटल। आए बहुत घुमा यार, सियालकोट में भी गैस जाता है, सियालकोट के इस्लामाबाद में भी, सोचो ज़रा। 15 मिनट वेट करने के बाद हम जब अंदर गए अपना ऑर्डर लेने, कहते गैस नहीं है, और आधे घंटे वेट करो। उनका हार्ट ये क्या, हार्डीज, हार्डीज में भी थोड़ा कुछ लगे हुए हैं। हार्डी यही ले लो फिर भाई। हाँ कोई नहीं, क्रिस्पी चिकन सैंडविच हो जाएगा, एक ही है, सेम ही है। हार्डीज भी बंद कर दिया, 11 बजे बंद हो जाते कहते हैं। तभी हम ढूंढ रहे हैं दूसरा कोई चीज़ें खाने की ऑप्शन, अगर मिले तो। ये कौन सा है, टेक्सास चिकन, ओए होए टेक्सास, टेक्सास चिकन। सारा की मुंह से पानी आएगी टेक्सास चिकन देख के, न्यूयॉर्क का चिकन इधर आ गया है। इधर से देखते कुछ अगर मिले। अच्छा इधर एक वो भी है बच्चों की फन सिटी, ये बंद हो चुके हैं अभी। तो हमने फाइनली उधर से ऑर्डर किया हुआ है, क्या कहते हैं ना, टेक्सास बर्गर से। न्यूयॉर्क में भी टेक्सास खाते, इधर भी टेक्सास। चलो खाने वाला तो कुछ मिल गया ना, वही वही कुरन चला रखा है इन लोगों ने। वाह शुरू हो भी गया, नीचे के सारे फ्लोर तो बंद हो गए, लाइट ऑफ, 11 बजे क्लोज हो जाते। फूड कोर्ट की एक दो दुकान खुले हुए, हम भी खाना खाएंगे और निकल जाएंगे अभी। ये हमारा खाना आ चुका है, न्यूयॉर्क वाला तो स्पाइसी है ही, लेकिन ये बार का जो स्पाइसी है न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा स्पाइसी है। मैंने करवाया था। ज़्यादा स्पाइसी करवाया आपने, मैंने इसलिए कर, इतने स्पाइसी कैसे है। शुक्रिया भाई। और ये चिकन भी लिया और फ्राइज लिया। खाना खा के निकल के आ गए, अब पूरा मॉल हो गया बंद, लाइट भी सारे बंद है, सब निकल गए। तो हम भी अभी निकलने लगे हैं सियालकोट की तरफ, सोचा था आज रात रुकेंगे इस्लामाबाद, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, घर में आयत भी है, आयत को छोड़ के आए हुए हैं, तो वो फ़ोन करके रो रहे, तो उसके चाहे उसके उतर जाते तो कल इंशाल्लाह जाएंगे हम गुजरांवाला। तो एक ब्लॉग में, एक ब्लॉग 2 दिन में कंप्लीट किया, पेशावर एंड इस्लामाबाद, दो जगह कंप्लीट किया। तो कल इंशाल्लाह आप लोग देखोगे गुजरांवाला का ब्लॉग, और परसों लाहौर का ब्लॉग फिर से। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।